मैं आखिरी बार मैं अल्लाह की कसम खा, मतलब नहीं अब अल्लाह की कसम मत खाओ, तुम बहुत बार कुरान की कसम खा चुके हो और वादे तोड़ चुके हो। मुझे मिलना है तो मैंने रात में पूछा क्यों मिलना है, बोलता है कि मुझे सुबह के मैं मिलूंगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो आए घर पे, जो कुछ भी हुआ फिर पुलिस को पता है। और एक चीज आपने कही थी कि आदिल का फोन निकासी था, आपका कहना ये था कि आदिल का फोन निकासी था। हम लोग को कहीं से जानकारी मिली थी कि वो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में जब था उसके पास फोन था। हाँ, दोनों फोन ये हमें, दोनों फोन उसी के पास थे, आईफोन। हाँ, दोनों आईफोन उसी के पास थे। अब वो पुलिस जो भी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो बताएंगे कोर्ट में फोन थे या नहीं थे। हमें जानकारी मिली थी कि वो फोन यूज करता था और उसको तनु को कॉल्स लगाता था, ये जानकारी है। हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते, बट हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दोनों फोन उसके पास थे ड्यूरिंग कस्टडी। फिर वो जब आथर रोड गए तब उसके पास से फोन हटाए गए। क्योंकि मुझे रात तक तो खुद ही अपने मोबाइल से फोन कर रहे थे, मैं नहीं ले रही थी। घूम नीचे करना सेम डे पे उस टाइम पे जब उनको हिरासत में दिया गया था, वो आपको बैक टू बैक कॉल कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगा, मैं ये सब करूंगा, किसी औरत के साथ मैं कोई नाजायज संबंध नहीं रखूंगा। मैंने कहा मैं कैसे बिलीव करूँ तुम, मैं आखिरी बार मैं अल्लाह की कसम खा, मतलब नहीं अब अल्लाह की कसम मत खाओ, तुम बहुत बार कुरान की कसम खा चुके हो और वादे तोड़ चुके हो, अब मत कहो। मैं नहीं बिलीव करती तुम पे, मैं तुम पे विश्वास नहीं करती। उनके माँ बाप को आना चाहिए, उनके माँ बाप ने भी उनको कितनी बार बोला है, हालांकि उनके माँ बाप को भी सब कुछ पता है, और अभी वो उनके माँ बाप भी बहुत गलत गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं मेरे खिलाफ, बहुत ज़्यादा गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनकी माँ मेरे पास आया है कि मैंने 1 रुपया भी यहाँ पे लेकर, आदिल नहीं आए थे, वो कह रहे हैं वो 1 करोड़ रुपया लेकर आया था। कहाँ से 1 करोड़ लाया था, तुम मुझे 1.5 करोड़ क्यों लिया, मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट है सामने, फोन फिर दिखा देता फाइनल ये है कि उसकी बेल की एप्लीकेशन पे हियरिंग ट्यूसडे को होगी, और पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी की मांग की उसका फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा, वो आप लोग को पता थोड़ी देर में। फिर भी राती हमने देखा कि उनके वकील बाहर निकले तो फिर भी आप उनको देखिए, मेरा शादीशुदा आज भी हूँ और मेरे दिल में प्यार भी है, लेकिन जो क्रूरता और जो उन्होंने मुझे सताया है वो मैं भूल नहीं सकती। तो मैंने पूछा हाउ इज़ इंडिया, गाड़ी का है।